बलिया में पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। बलिया के फेफना में निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की दुस्साहस अंदाज में हुई हत्या से हर तरफ आक्रोश है। सोमवार की रात हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीण के साथ कई पत्रकार और विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया और एसओ को निलंबित करने की घोषणा पर लोगों को शांत किया। रतन सिंह और उनके घर में ही सोमवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वह गांव में ही किसी के यहां बैठने के बाद पैदल ही वापस घर जा रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार अपने ऊपर हमला होते ही जान बचाने के लिए रतन सिंह ग्राम प्रधान के घर में घुस गए। इसके बाद भी दुस्साहस हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा और एक एक कर 3 गोलियां उन्हें मार दी। इससे रतन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वारदात की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ कई पत्रकार और विभिन्न संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने फेफना रसना मार्ग को जाम कर दिया। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और एसओ फेफना ससिमौली पांडे को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। परिजनों ने फेफना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे एसपी ने एसओ फेफना ससिमौली पांडे को सस्पेंड करने और जांच के बाद अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के अनुसार पट्टीदारों से उनका विवाद चल रहा था। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि परिवार वालों की ओर से देर रात तक कोई तहरीर नहीं दी गई थी। अरेस्ट नहीं करेंगे, मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, तब तक हम लाश नहीं, लाश प्रशासन को ले जाना है ले जाएंगे। मैं उठने नहीं दूंगा, हम लाश नहीं लेंगे। मतलब आप मानते हैं कि ससिमौली का भी इसमें हाथ? बिल्कुल हाथ है। और एक विकास सिंह करके क्या नाम है, चितपड़ा गांव का है, वो छात्र नेता, एक बार वो भी मर्डर में फंसा है। विवेक कौशिक है, वो वही ससिमौली से सेटिंग किया है। बलिया जनपद के फेफना थाने के अंतर्गत फेफना गांव में पत्रकार रतन सिंह की आज रात में उनके पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में उभय पक्षों में आबादी की जमीन को लेकर के विवाद सामने आया है। यह विवाद दिसंबर 2019 में भी उन दोनों पक्षों में मारपीट के रूप में तब्दील हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस FIR कराई थी। इस FIR में आज के मृतक पत्रकार रतन सिंह भी एक पक्ष से अभियुक्त के रूप में नामजद हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में रतन सिंह का नाम विवेचना से निकाल दिया था। आज के घटनाक्रम में मुख्य विवाद का विषय यह था कि मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है, उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं ना कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता ना होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के सामने हत्या की जाती है, ये भी तो एक अपने आप में देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में FIR एक दूसरे ने कराई थी।
दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 सीआरपीसी में पाबंद भी किया हुआ था। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी।